भीषण गर्मी के मद्देनजर स्कूलों के समय में बदलाव और जल्दी गर्मी की छुट्टियों पर चर्चा होने लगी है। भीषण गर्मी को देखते हुए विभिन्न स्कूलों में जल्दी गर्मी की अवकाश दिए जाने की मांग उठने लगी है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने कई स्कूलों में खासकर छोटी कक्षाओं के लिए समय अवधि और कम कर दी है। मंगलवार से शहर के कई स्कूलों में अब 11 बजे के बजाय 10 बजे ही छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। दिक्कत ये हो रही है कि सवेरे सवेरे बच्चे उठना नहीं चाहते, इतना गर्मी है और अभी तो इतना हीट भी बढ़ गया है। एक घंटा और आगे आ गया है, लेकिन छुट्टी हो जाए तो अच्छा है। दिक्कत हो रहा आप लोगों को? बहुत दिक्कत, ज़्यादा गर्मी बढ़ चुका है इनफैक्ट। और इतना ये कि हम लोग को स्कूल का टाइमिंग चेंज और ज़्यादा करवा देना चाहिए, शॉर्ट टाइमिंग होना चाहिए। उधर जिला शिक्षा अधीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि स्कूल बंद नहीं किया जा सकता, पर समय में तब्दील संभव है। स्कूल पहले से ही मॉर्निंग स्कूल है सब, और अगर हम लोग लेकिन वॉचफुल हैं, हम लगातार निरंतर नजर रखे हुए हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक आध घंटा और घटाएंगे समय। प्राइवेट विद्यालयों को इसकी कुछ सूचना दिया जा रहा है सर? नहीं, वो सभी के लिए इंस्ट्रक्शन है, वो तो सरकार राज्य सरकार से ही निकला हुआ है कि आपको 11:30 तक स्कूल करना है सुबह। अभी गर्मी बढ़ चुका सर? गर्मी बढ़ा है तो हम लोग उसको, हमने कहा ना कि हम लोग वॉचफुल हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक आध घंटा हम लोग घटाएंगे। मन अभी नहीं लग रहा जरूरत है बंद करने से? देखिए, बंद कर देने से स्कूल कोई उसका कोई समाधान नहीं, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाइएगा फिर आप। लेकिन अगर उसी स्थिति होगी कि बंद करना है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी उसी हम लोग 1-1.5 घंटा समय घटा करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले दिनों स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड में हुई मारपीट की घटना में निर्दोष लोगों को फंसाए जाने की शिकायत इंटक द्वारा प्रशासन से की गई है। यूथ इंटक के लोगों ने संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मारपीट की घटना में कुछ ऐसे लोगों का नाम भी डाल दिया गया है जो घटना के वक्त संलिप्त नहीं थे। जमशेदपुर शहर के लिए ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले हम लोग इस घटना की बहुत निंदा करते हैं। ऐसा है कि जमशेदपुर शहर का जो एक इंडस्ट्रियल है बिल्कुल डिफरेंट है देश के दूसरों शहरों से। यहाँ यूनियन मैनेजमेंट मिल करके मजदूर हित में बात करके तमाम जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करती है, और जो चीज़ें वहाँ पर हुई, जो घटनाक्रम वहाँ घटा, जिस तरीके से मजदूरों को जानलेवा हमला हुआ, कंपनी का नुकसान हुआ, मेरा यह मानना है, INTUC का यह मानना है कि कहीं से भी ये ना तो कंपनी के हित में है ना मजदूर के हित में इस तरह की घटना, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में कंपनी प्रबंधन के द्वारा जिन लोगों के खिलाफ में गोविंदपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो लोग उस घटनाक्रम में कहीं सम्मिलित नहीं थे, जो लोग ड्यूटी में नहीं थे, जो लोग कंपनी के अंदर नहीं थे, जो लोग कहीं भी उस घटनाक्रम में नहीं थे, उन लोगों का नाम कहीं ना कहीं प्री ड्यूस होकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, ताकि वहाँ किसी तरह कोई एक्टिविटीज आगे मजदूर के हित में नहीं चले, वैसे लोगों का नाम डाल दिया गया। हम INTUC की ओर से, यूथ इंटक की ओर से बहुत मजबूती के साथ प्रशासन से आग्रह करते हैं कि निष्पक्ष जाँच करते हुए इन तमाम लोग जो लोग उस घटनाक्रम में शामिल नहीं थे उस दिन की घटना में 13 तारीख की, उनका नाम सबसे पहले मुकदमा से हटाया जाए। और उसके अलावा प्रशासन इस बात की भी जांच करे कि 13 तारीख को जो इस शहर में इतना बड़ा जो एक घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, आखिर ऐसी परिस्थिति उस कंपनी में क्यों उत्पन्न हुई है कि इस तरह की घटना हुई है। प्रधानमंत्री के आगमन पर जिला शिक्षा विभाग में एक बैठक हुई जिसमें उनके कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा हुई। जिला शिक्षा अधीक्षक मुकेश कुमार सिन्हा ने सोमवार को जिले के सभी BU और शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम BLO और शिक्षकों के साथ बैठक की, और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सहभागी होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से जुड़े सभी बुद्धिजीवियों को सरकार की योजनाओं एवं उनसे होने वाले लाभ के विषय में जानकारी हो सके। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आगमन है 24 तारीख को, तो हम लोग उसमें अपनी सहभागिता रखना चाहते हैं कि हम लोग उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं। हाँ, हमारी उपस्थिति हम सुने आदरणीय राज प्रधानमंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं, और ये संदेश दूर दूर तक जाए, सभी लोग सुने, सभी सक्रिय होकर भाग लें हमारे विभाग के लोग। इसमें क्या उद्देश्य है सर इसका? इसमें वही है कि जो पंचायत के साथ PRI के साथ वो बातचीत करना चाहते हैं, तो हमारे लोग भी तो जाने समझे कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है,
हम कैसे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, भविष्य की क्या योजना है। नेपाली सेवा समिति ने समाज के कुछ लोगों पर फर्जी तरह से लेटर हेड के इस्तेमाल की शिकायत एसडीओ से की है। नेपाली सेवा समिति के रामनारायण व सुखदेव गुरुंग ने कहा कि समिति से निकाल दिए गए कुछ लोग गलत ढंग से लेटर पैच का इस्तेमाल कर रहे हैं और समिति को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत एसडीओ से की है। नेपाली सेवा समिति की, उसके कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जो कि नेपाली सेवा समिति द्वारा हटाए गए सदस्य हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है विरोध करने का, जिन्हें कुछ नहीं मिला है, जो समाज के विरोध कर रहे हैं, विकास कार्य को बाधित करने के उद्देश्य से कुछ लोगों से मिलकर, जिसमें पूर्व पदाधिकारी श्री छविराज दाहाल, एसके गुरुंग, ये लोग शामिल है, जो लोग हमारे विकास की जो गति है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इसके संदर्भ में हम लोग उपायुक्त को ज्ञापन देने आए हैं और ये भी कहने आए हैं कि उन लोगों ने घोषणा की है कि 23 तारीख या 24 तारीख को वो लोग जबरदस्ती समाज में घुसेंगे, हमारे समाज में, और हमें आशंका है कि वो लोग हमारी अचल संपत्ति को, हमारे बाकी कार्यकारिणी के सदस्यों को नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ ऐसा सीन क्रिएट करेंगे जिससे कि हमारे ऊपर केस हो। जेएस तारापुर स्कूल में सोमवार को आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने और अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रिंसिपल जेएस तारापुर स्कूल, ये ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग जब से स्कूल शुरू हुई उसके वही साल से हम लोग शुरू किए हुए हैं, करीब 13 साल हो चुका है। और आशा यही रहता है कि जितने सारे पेरेंट्स आए उतना अच्छा है, क्योंकि ये कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए किया जाता है। बट यस, आज जैसा मौसम है हम लोग बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि मौसम इतनी गर्म है कि लोग घर से निकलने के लिए दो बार सोचेंगे, लेकिन फिर भी जो लोग आ रहे हैं उनके प्रति हमारा बहुत ये है कि वो लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करें। ओडिया युवा समिति द्वारा कदमा में अखंड कीर्तन व रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज एक रंगारंग कार्यक्रम पेश कर रहा है, जिन्हें पश्चिम उड़ीसा युवा समिति के सदस्यों को तथा आसपास के लोगों को और कलश यात्रा से जितने लोग शामिल हुए थे उनका एक रोमांच देने के लिए पश्चिम उड़ीसा युवा समिति आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।